कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी के सीआरओ। बेटा ये एक हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन की बीम को इलेक्ट्रिकल फील्ड में फायर किया जाए यूजिंग इलेक्ट्रॉन गन, तो वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करती हुई डिफ्लेक्ट होगी, और उसी डिफ्लेक्शन को जो है हम स्क्रीन पर हासिल करते हैं एज अ ग्राफ, और प्रॉपर एक वेव शेप जो है वो हमें स्क्रीन पर नजर आ रही होती है। ये तकरीबन हर किस्म के फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट कर सकती है, स्पेशली ऐसे तमाम फंक्शंस जो टाइम के लिहाज से बहुत ज्यादा रैपिडली वेरी कर रहे हों, ये हमें उनका ग्राफ प्लॉट करके स्क्रीन पे दिखाती है। ये आपको एक टिपिकल सीआरओ नजर आ रही है जिसमें हमारे पास एक अदद स्क्रीन है जिसपे हमें ग्राफ जो है वो बना हुआ नजर आएगा। फिर इस पे कुछ कंट्रोलर्स हैं जिसमें इंटेंसिटी कंट्रोलर है, हम फोकस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिर ऑन ऑफ, फिर टाइम बेस्ड जनरेटर है हमारे पास, फिर फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर्स हैं, हमने इनपुट्स कहाँ देनी है, ये सब चीजें जो है ये इसके ऊपर एज अ स्विचेस और बटन्स जो है ना वो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। अब भाई हम इससे मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जैसा कि हम इसको इस्तेमाल करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हिस्टेरेसिस का ग्राफ प्लॉट करते हैं। हिस्टेरेसिस जो है ये किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जज करने के लिए प्लॉट किया जाता है ग्राफ। हम वाई इनपुट के ऊपर उस मैग्नेटिक सिग्नल को जो हमें उस पर्टिकुलर मटेरियल से आ रहा है वो अप्लाई कर देते हैं, तो देन हमारे पास ये ग्राफ आ जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि ईसीजी करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं जिसके साथ एक स्क्रीन अवेलेबल होती है जो कि इन जनरल सीआरओ है, और उसके ऊपर जो है वो हार्ट बीट के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है एक ग्राफ अपियर होता है जिसको हम ईसीजी कहते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर्स जो है दिल के आरजे के बारे में डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा सीआरओ को हम इस्तेमाल करते हैं अर्थक्विक मॉनिटरिंग सिस्टम में, इसमें जो अर्थक्विक की एक्स्ट्रा वाइब्रेशन है उसे मॉनिटर किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितनी शिद्दत का जलजला जो है वो आ सकता है या आ चुका है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर इंतजाम किए जाते हैं। अब भाई ये जो सीआरओ है इसको हम सीआरओ ही क्यों कहते हैं, वाई कैथोड रे इन जनरल हम इसमें इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज करते हैं और उसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है कैथोड रे का नाम देते हैं। इसी मुनासबत से हम इस डिवाइस को कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का नाम देते हैं और शॉर्टली सीआरओ कहते हैं। अब भाई नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन को जरा देख लेते हैं तो ये किस तरह से बनती है। तो भाई सबसे पहले इसकी जो बेसिक पार्ट्स हैं उसमें हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉन गन, और सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन में वो इलेक्ट्रॉन गन ही है। अब ये इलेक्ट्रॉन गन में हमारे पास छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम को हासिल करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक फिलामेंट होगा जिससे हम एक कैथोड को गर्म करेंगे, और कैथोड जो है वो खास टेम्परेचर पर हीट अप होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को अमिट आउट करना शुरू कर देगा। तो भाई यहां पर ये हमारे पास जो है वो फिलामेंट है,
और इसकी सराउंडिंग में आपको कैथोड नजर आ रहा है, ये हमारे पास कैथोड है। अब ये फिलामेंट जिसको एक्सटर्नली हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, उस वोल्टेज के अकॉर्डिंगली ये फिलामेंट ग्लो करेगा, कैथोड को हीट अप करेगा और कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब वो जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो रहे हैं वो ग्रिड में से पास करते हैं। कैथोड के बिल्कुल सामने हमारे पास जो है ग्रिड है, इसको कंट्रोल ग्रिड भी कहा जाता है। ग्रिड की ये खसूसियत है कि ये कंट्रोल करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो आगे फर्दर एनोड तक जाने हैं और फिर फाइनली वो स्क्रीन तक पहुंचने हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कंट्रोल करता है जो कैथोड से आ रहे हैं और फर्दर उन्होंने एक बीम की फॉर्म में स्क्रीन तक पहुंचना है। और इसको इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन पे जो ग्राफ का स्पॉट होगा उसकी ब्राइटनेस को हम कंट्रोल करते हैं। किस तरह से? हम ग्रिड को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी कि कैथोड के लिहाज से जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ग्रिड पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब इस नेगेटिव पोटेंशियल का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं कैथोड से ग्रिड उन्हें रिपेल करेगा और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन इस ग्रिड को क्रॉस कर पाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो खास हद से ज्यादा है, बाकी जो है वो रिपेल होते हुए यहीं तक रुक जाएंगे ताकि डिस्टोर्शन जो है वो स्क्रीन पे कम से कम हो। तो इस तरह से ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए हम स्क्रीन पर ब्राइटनेस कंट्रोल करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो स्क्रीन तक पहुंच रहे हैं जिससे हमारा वेव बन रही है, ग्राफ बन रहा है, हम उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रिड की जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से जालीदार होगी, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने का रास्ता होगा। तो हमारा ग्रिड जो है वो मेम्ब्रेन टाइप और परफोरेटेड होता है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गुजर सकते हैं जिनकी एनर्जी जो है वो खास हद से ज्यादा हो। अब भाई ये जो इलेक्ट्रॉन जो ग्रिड से बाहर आ रहे हैं, हम इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे और फोकस करेंगे स्क्रीन की तरफ। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एनोड्स। ये हमारे पास 3 एनोड्स का सेट है जो आने वाली जो बीम है, जो ग्रिड से निकलने वाली बीम है, ये एनोड्स उस बीम को एक्सेलरेट करते हैं। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे, देन उन्हें बिखरने से बचाने के लिए हम मजीद एनोड्स यूज कर रहे हैं। 3 सेट्स हैं हमारे पास। वो क्या करते हैं, वो एनोड को एक फोकस बीम की फॉर्म में जो है वो आगे डिलीवर करते हैं। तो इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स जो भाई ग्रिड से जनरेट हुए हैं उसकी बीम को हम एनोड्स इस्तेमाल करते हुए एक्सेलरेट करवाते हैं, इसके साथ साथ हम उन्हें फोकस भी करते हैं। देन हमारे पास एक बीम हासिल होती है जो कि फोकस्ड है और स्क्रीन की तरफ मूव कर रही है। यहां तक हमारे पास भाई कंप्लीट हो जाती है इलेक्ट्रॉन गन। हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, हमने खास एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर लिए, हमने उनको एक्सेलरेट करवा लिया और अब वो फोकस्ड फॉर्म में फर्दर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब भाई हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो है वो 2 अदद प्लेट्स के सेट हैं। एक हमारे पास वर्टिकल प्लेट का सेट है, ये रखी तो हॉरिजॉन्टल हुई हैं
लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स को वर्टिकली डिफ्लेक्ट करवा सकती हैं, इसलिए इनको वर्टिकल प्लेट्स कहते हैं। और दूसरा हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट्स का सेट है, ये रखी तो वर्टिकल हुई है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की बीम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर डिफ्लेक्ट करवा सकती हैं। देन फाइनली इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसे हम हासिल करते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन जो है वो हमारे पास किसी भी फ्लोरिसेंट मटेरियल से बनाई जाती है। फ्लोरिसेंट मटेरियल का क्या मतलब है कि जब यहां पर इलेक्ट्रॉन जाकर स्ट्राइक करेंगे तो स्क्रीन ग्लो करती है और उसी ग्लो को जो है वो हम ग्राफ की फॉर्म में और वेव की फॉर्म में जो है वो देख सकते हैं। इन जनरल हम फॉस्फर कोटिंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं फ्लोरिसेंस के लिए, चमक के लिए। अभी फर्दर हम देख लेते हैं कि जो हमारी डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं उनका क्या रोल है यहां पे। तो ये दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, एक एक्स प्लेट है दूसरी वाई प्लेट है। एक्स प्लेट वर्टिकल रखी हुई है लेकिन डिफ्लेक्शन जो है ये हॉरिजॉन्टल करवाएगी। इसको हम टाइम बेस्ड जनरेटर भी कहते हैं। एक्स प्लेट को हम स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर कहते हैं। एक्स प्लेट का फंक्शन क्या है जी, ये बीम को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करेगी और ये इन जनरल सीआरओ का बिल्ट इन सर्किट होता है। इसकी फॉर्मेशन जो है वो सार्टूथ फॉर्म में है। अब टाइम बेस्ड जनरेटर से यहां पे क्या मुराद है? इन जनरल बेटा जी इस पे सीआरओ के अंदर ही से एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया जाता है जो टाइम टी के अकॉर्डिंगली वेरी करता है और बढ़ता बढ़ता पीक पे जाएगा फिर एकदम से जीरो हो जाता है खास टाइम पीरियड के बाद जिसको कैपिटल टी से जाहिर किया गया है, फिर बढ़ना शुरू करेगा फिर जीरो हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्पॉट जो है वो मूव करता हुआ अपीयर होता है। जैसे इस वक्त आपको ये स्क्रीन के ऊपर डॉट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से एक डॉट जो है वो हमें फ्लो में नजर आएगा जो कि इन जनरल टाइम बेस्ड जनरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इन जनरल वो वोल्टेज है जो सीआरओ के अंदर बिल्ट इन है और सीआरओ के अंदर से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन सी अपीयर होना शुरू हो जाती है जो कि इन स्मॉल डॉट से मिलकर बनी हुई है। अब भाई हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे? हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए वाई एक्सिस के ऊपर वो वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसको हम ड्रा करना चाहते हैं सीआरओ पे। तो बेसिकली वाई प्लेट्स जो हैं उस पे आप जो भी इनपुट अप्लाई करोगे वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन में बीम को डिफ्लेक्ट करेगी और उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें स्क्रीन पे ग्राफ जो है वो भी नजर आएगा। जैसे कि अगर आपने साइनोसोइडल वोल्टेज अप्लाई किया तो हमें साइन वेव जो है वो स्क्रीन पे उन डॉट्स से बनती हुई नजर आएगी भाई। यानी कि वही डॉट्स वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेच होंगे और हमारे पास एक साइन वेव जो है वो आ जाएगी भाई। तो जो आप वाई पे वोल्टेज अप्लाई करोगे उस वोल्टेज का ग्राफ जो है ना भाई वो हमें स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो ग्राफ जो है ये इन जनरल बेटा रेस्ट पे नहीं होता, ये मूव कर रहा होता है, ये फ्लो में होगा। और अगर आप इसको रेस्ट पे ला के इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीआरओ के ऊपर बहुत सी नोब्स होती हैं जिनको एडजस्ट करते हुए आप मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो भाई वहां पर एक टाइम बेस्ड जनरेटर की फ्रिक्वेंसी की सिंक्रोनाइजेशन की भी नोब है जिसमें हम क्या करते हैं भाई, हम अपना जो टाइम बेस्ड जनरेटर का वोल्टेज है यानी कि वो वोल्टेज जो आप एक्स पे अप्लाई कर रहे हो हम उसकी फ्रिक्वेंसी को इस तरह से एडजस्ट करेंगे
कि वो सिंक्रोनाइज कर जाए जो आपने वाई पे जो वोल्टेज दिया हुआ है उसके साथ। जब दोनों की फ्रिक्वेंसी जो है वो मैच आउट हो जाएगी तो हम क्या देखेंगे कि जो पैटर्न है ये स्लो डाउन होगा और आपको स्टेशनरी फॉर्म में स्क्रीन पर अपीयर होगा, जिससे हम इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई, इसके मजीद यूजेस देख लेते हैं। हम इसे इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ वोल्टेजेस जो हैं उनके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक साइन वेव का ग्राफ नजर आ रहा है, जो कि आपने वाई पे इनपुट दी उसका ग्राफ जो है वो हमें जाहिर हो गया। इसके अलावा इस वेव के एम्पलीट्यूड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है। फिर हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इस वेव की, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियल पोजीशन को स्टडी करते हुए हम फेस को स्टडी कर सकते हैं, किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हम पीक वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी है, पीक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से टाइम बेस्ड जनरेटर के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उसके साथ कैलिब्रेशन को इस्तेमाल करते हुए हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। फिर अगर हमारे पास मुख्तलिफ वेव्स हों तो हम उसमें फेस डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो वेव्स आ रही हैं, एक ग्रीन वेव है और एक हमारे पास जो है वो रेड वेव है, दोनों के फेस में कितना डिफरेंस है हम उस डिफरेंस को स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि एक वेव जो है वो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरी मीन पोजीशन से नीचे की तरफ आ रही है, दोनों में जो फेस डिफरेंस है वो 180 डिग्री का होगा, आउट ऑफ फेस हैं ये दोनों वेव्स, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मिल रहा है। इस तरह से किसी भी फॉर्मेशन में रखी हुई मुख्तलिफ वेव्स जो हैं हम उनको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ जो वेव फॉर्म्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं कि ये वेव्स जो हैं ये डिजिटल वेव्स हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है, इनकी वेवलेंथ क्या है, इनका फेस क्या है, साइन वेव है, वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ ज्यादा है,